आज के दौर पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रहा है भारत। इसके बावजूद भी बैंक से किसी आम आदमी को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार 48,000 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ है, जिसका दावेदार कोई भी नहीं है। आखिर इन पैसों का मालिक कौन है? RBI इन पैसों का मालिक को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर भारत के गरीबी रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो उनका संख्या 27 करोड़ से भी ज़्यादा गरीब भारत में है, जिनका डेरा सरकार के पास है। वही इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में 25.70% लोग और शहर में लगभग 13.70% गरीब लोग रहते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार गांव वाले इलाकों में ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है। अगर राज्य के बारे में बात किया जाए तो केरल 0.71%, गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%, तमिलनाडु 4.90%, पंजाब 5.60% भी रेखा के ऊपर है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि देश के बैंकों में अरबों रुपया पड़ा हुआ है, जिसका कोई मालिक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पैसों को लेकर चिंता जताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पैसों का असली मालिक का पता चलाने के लिए एक अभियान चलाने जा रहा है। देश में बेरोजगारी और महंगाई इतना बढ़ गया है कि गरीब लोगों के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों को देख लीजिए। कुछ महीने पहले 70 से 80 रुपया मिलने वाला पेट्रोल आज 100 के आसपास है, कई जगह तो 100 के भी ऊपर है। इसका सीधा सीधा असर एक आम जनता पर ही आएगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पैसों का असली मालिक तक पहुंचने के लिए एक अभियान चलाने की बात किया है। बैंक के रिपोर्ट के अनुसार देश में ऐसे कई 8 राज्य हैं जहाँ पर इस तरह का राशि पड़ा हुआ है। अंत तक देखा जाएगा कि इन पैसों का असली वारिस कौन है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बगल वाले बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।